बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एक और लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है जो आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइडेड है उनमें से प्रैक्टिस पर्पस के लिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग का ग्राफ प्रोड्यूस करना तो आपको आएगा नहीं, ड्रा नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? ज़्यादा कंप्यूटराइज पेपर है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट वन है जी, ये फाइंड बाई एप्रोप्रिएट कैलकुलेशन द ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स, ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स या ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। ठीक, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है यहाँ पे आपने ग्राफ की मदद से, तो कोई मुश्किल नहीं होता। होता ग्राफ पहले से प्रोड्यूस है, कंस्ट्रेंट की लाइंस लगी हुई है, और ये जो डॉटेड लाइन होती है, ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये कंट्रीब्यूशन की लाइन होती है, आईएसओ कंट्रीब्यूशन लाइन कहते होते। इसी लाइन को हमने पैरेलल जो है पैरेलल बढ़ाते जाना होता है, और हमने देखना होता है कि ये जो फिजिबल रीजन है, फिजिबल रीजन कौन सा होता है? जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। ये हालांकि हर चीज क्लियर है, लेकिन मैं आपको जान के ये बताना चाहता हूं, इन पॉइंट में से सबसे एंड पे ये मतलब ये जो लाइन है पैरेलल, जिस पॉइंट को टच करेगी सबसे एंड पे, ये इसको टच कर रही है, ये आपका ऑप्टिमल पॉइंट होगा, ये बी, इस पे लेबल लगा हुआ बी, और वैसे भी एग्जामिनर ने भी बताया हुआ कि ऑप्टिमल पॉइंट जो है वो बी है, और फिजिबल रीजन ओ ए बी सी डी है, ओ ए बी सी और डी, उसने कहा भी बी पे। आपने जब ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाना है तो आपने देखना बी पॉइंट पे कौन सी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो बी पॉइंट पे एक तो ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, इधर से भी 600 और इधर से भी 600, और एक ये लाइन है कि इधर से राउंड अबाउट 500 है और इधर से राउंड अबाउट 700। अब ये दो लाइन कौन सी है? आपके सामने जो इक्वेशन दी हो, मैंने पिछले सवाल में भी कहा था, उसे सॉल्व कर लिया करें, एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया करें। कैसे कर लिया करें? 3500 है, एल को साइलेंट कर लें, एक्स और वाई का मतलब यहाँ पे डब्ल्यू एंड एल है, एक डब्ल्यू प्रोडक्ट है एक एल है, एल प्रोडक्ट को साइलेंट कर लें और 3500 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो आपका तकरीबन ये 500 आ जाता है। उस तरह 3500 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये 700 आ जाएगा। इस तरह दूसरी लाइन 1200 को 2 पे करेंगे तो 600 आ जाएगा, और 1200 को फिर इसको साइलेंट कर लें अगले 2 पे करेंगे तो वो भी फिर 600 आ जाएगा। यहाँ पे W क्लियर है कि 400 है, X की वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे बेटा ये के B पॉइंट किन दो लाइनों का इंटरसेक्शन है? इधर से 6, इधर से 6, 6 वाली लाइन कौन सी है? फैब्रिक वाली, और दूसरी इधर से 5, इधर से 7, 500 और 700 वाली लाइन कौन सी? टेलर टाई। ये जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान होता है कैलकुलेट करना, वो बहुत सिंपल होता है कि इन दोनों की इक्वेशन को आप नीचे ले आए, 7W है और 5L है इक्वल टू 3500 है, और दूसरी इक्वेशन 2W है और 1200 ए और सॉरी 2W है और 2 ही L है, और ये है कितने की? 1200 की, जो वहां पे इंटरसेक्ट करती है उनको नीचे ले आए, फिर इस पे सिमुलेशन सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉरी अप्लाई करते हैं। उसमें क्या होता है कि किसी भी इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें कि डब्ल्यू डब्ल्यू से मैच हो जाए, यानी 2W 7W में कन्वर्ट हो जाए, या 7W 2W में कन्वर्ट हो जाए, या 2L 5L में कन्वर्ट हो जाए, 5L 2L में कन्वर्ट हो जाए। तो देखो, बड़ी अमाउंट को छोटा करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, जबकि छोटी अमाउंट को बड़ा करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब टी 2W को 7W बनाना पड़े तो आप मल्टीप्लाई किससे करेंगे? आप डिवाइड करके देख लें, डिवाइड आपको पता मल्टीप्लाई का उल्टा होता है, 7 डिवाइडेड बाई 2 करें
तो 3.5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करें। अब 3.5 मल्टीप्लाई 2 7W आ गया और 3.5 2L ये 7L आ गया और 3.5 1200 से मल्टीप्लाई करें तो 4200 आ गया। अब जिसके हमने चेंज किया वो खत्म होगी, यानी ये वाली इक्वेशन खत्म होगी। अब पहले 7W में से, यानी फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को लेस कर दे, 7W माइनस 7W ये जीरो हो गया, जबकि 5L माइनस 2L ये 2L आ गया और 4000 माइनस 3500 ये 700 आ गया। अब L की वैल्यू निकालनी है, L 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो गया, तो L की वैल्यू आ गई 350। अब किसी भी क्वेश्चन में चाहे 7W 5L है तो L की वैल्यू पुट कर दें, L कितने हैं 350 ये है, तो 350 जो भी है 350 मल्टीप्लाई 5 1750 आपका आ गया 7W है और 13500। और नेक्स्ट ये इधर प्लस होता है, इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो गया, 3500 में 1750 लेस करेंगे 1750 7W और W निकालना है 7 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा 7 तो ये 250। तो प्रोडक्शन प्लान जो है वो क्या हुआ, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान हमारा क्या निकला कि W बनाओ 250 और L बनाओ 350। उसने कहा था ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाएं और रिलेटेड कंट्रीब्यूशन, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ये है आपको दिया ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन की क्या है, 48W से आता है, 40L से आता है, 48 पर W और 40 जो है वो L से आता है। तो यहां पे 250 मल्टीप्लाई 48 टोटल कंट्रीब्यूशन आपका आ गया 12,000 और 350 मल्टीप्लाई 40 टोटल कंट्रीब्यूशन आपका 14,000, तो ये टोटल आपका कंट्रीब्यूशन बन गया 26,000। ये मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आप ले सकते हैं इस ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के अंदर। फिर वो आपसे कहता है कैलकुलेट द शेडो प्राइस ऑफ फैब्रिक एंड टेलर टाइम। फैब्रिक एंड टेलर टाइम की शेडो प्राइस निकालें। बेटा शेडो प्राइस सिर्फ उस चीज की निकलती होती है जो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट होती है, क्रिटिकल कंस्ट्रेंट। वो बाइंडिंग कंस्ट्रेंट जो बी पे टच कर रही थी वो कौन सी थी, टेलर टाइम और फैब्रिक। इनकी शेडो प्राइस, बाइंडिंग की शेडो प्राइस बेटा कैलकुलेट हो सकती है। उसने कहा फैब्रिक की भी निकालने और टेलर टाइम की भी, कट्ठी नहीं निकल सकती, पहले फैब्रिक की निकाल लें फिर टेलर टाइम की, या पहले टेलर टाइम की निकाल लें फिर फैब्रिक की निकाल लें। तो करना क्या पड़ेगा कि उसी इक्वेशन को ले आएंगे। अब 7 क्या था W और 5 क्या था L, 3500। अब T 2W और 2L था 1200। अब शेडो प्राइस निकालनी, समझो ये आपका टेलर है और ये आपका फैब्रिक है। तो बेटा बहुत आसान, जिसकी शेडो प्राइस निकालनी, टेलर की सपोज निकालनी, उसमें एक का इजाफा कर लो, उसमें एक का इजाफा कर लो और क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर लो जिस तरह पहले किया। हमने किससे जरब दी थी, 3.5 से, 3.5 मल्टीप्लाई 2 7W आ गया, 3.5 2 7L आ गया, 3.5 मल्टीप्लाई 12 जो है 4200 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लेस की, 7W में से 7W लेस किया तो वो तो 0 आ गया, जबकि 7L में से 5L लेस किया तो 2L आ गया।
2L इक्वल टू 4200, L की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपकी सॉरी 4200 नहीं सॉरी 7 में से 5 निकाला 2 आ गया, 4200 में से 3501 निकाला, 4200 में से 3501 तो ये 699 आया। 4200 से पहली इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस करें तो 699 आया। अब 699 को 2 पे डिवाइड करें, डिवाइडेड बाय 2 तो ये वैल्यू आई कि 349.5 एल प्रोड्यूस होंगे। अगर 349.5 एल प्रोड्यूस होंगे तो फिर भाई डब्ल्यू कितने होंगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, 7W प्लस 5 एल की वैल्यू आ गई 349.5। हमने ये इक्वेशन ली 7W और 5 और एल में एल की प्रोडक्शन प्लान पुट कर दिया और ये 3501 है। अब इसको सॉल्व कर लें, 349.5 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3501 डिवाइडेड बाय 7, डब्ल्यू वैल्यू आई 250.5, एल क्या था 349.5। अब शेडो प्राइस क्या होती है कि इस न्यू प्रोडक्शन प्लान आ गया कि एक एक्स्ट्रा रिसोर्स होगा तो प्रॉफिट भी कुछ चेंज होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा रिसोर्स पुट करेंगे, पहले टेलर का टाइम 3500 था, अब 3501 है तो प्रोडक्शन भी एक्स्ट्रा होगी, प्रोडक्शन एक्स्ट्रा होगी तो कंट्रीब्यूशन भी एक्स्ट्रा होगा, हमने कंट्रीब्यूशन पे इफेक्ट देखना होता है। अब न्यू प्लान आपका क्या है, 3349.5 आपके प्रोड्यूस होंगे एल और W 250.5, W आपके प्रोड्यूस होंगे 250.5 और L प्रोड्यूस होंगे 349.5 और पहली प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन था 48 का जो हमने देखा था, पहली प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन क्या था 48 का और दूसरी प्रोडक्ट से कंट्रीब्यूशन कितना था 40 का। तो बेटा ये 250.48 ये कंट्रीब्यूशन आ गया 12024 और दूसरे में 349.5 मल्टीप्लाई 40 ये आया 3980। तो टोटल बेटा क्या फर्क पड़ा के सॉरी प्लस ये 26004 यानी अब देखें न्यू ओल्ड कंट्रीब्यूशन क्या था और न्यू क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या, नया कंट्रीब्यूशन 26004 है, ओल्ड क्या था 26000 था, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 जो है वो क्या आई हमारी शेडो प्राइस। ये किसकी शेडो प्राइस आई बेटा, टेलर टाइम की, अब उसने कहा था दूसरी शेडो प्राइस आपने कैलकुलेट करनी फैब्रिक की, इक्वेशन को फिर ले आए 7W5L 7W5L 3500 और दूसरी फैब्रिक की इक्वेशन है 2W2L 2W2L और ये वैल्यू है 1200। ये फैब्रिक की इक्वेशन है, ये टेलर टाइम की है। अब हमने क्योंकि फैब्रिक की देखनी है तो हम इसमें एक का इजाफा फैब्रिक में एक का इजाफा कर लेंगे, वही उसको सॉल्व करने के लिए 3.5 से मल्टीप्लाई किया, 3.5 मल्टीप्लाई 2 7W आ गया, 3.7L आ गया और 1201 को 3.5 से किया ये 4203.5 आ गया। फिर पहली इक्वेशन में से
तीसरी इक्वेशन जो है वो लेस की, 7W से 7W तो कट गया, पीछे 2L आया माइनस 3500, इधर आया 703.5। L कितना आया 703.5 डिवाइडेड बाई 2, 351.75 L की वैल्यू आ गई। और L की वैल्यू किसी भी प्रोडक्शन में इक्वेशन में पुट की 5L है, L की वैल्यू क्या है 351.75 माइनस 3500, इधर ये प्लस हो रहा है इधर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 माइनस 3500 और फिर W पे 7 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बना 248.75। अब न्यू प्रोडक्शन प्लान क्या है कि W और L, W बनाओ 248.75 और ये बनाओ L 351.75। इस पे कंट्रीब्यूशन कितना था 48 और इस पे कितना था 40। टोटल कंट्रीब्यूशन पे इफेक्ट क्या आया, 248.75 मल्टीप्लाई 48 11940 और 351.75 मल्टीप्लाई 40 14070। ये दोनों को 11940 ये कंट्रीब्यूशन, बिस्मिल्लाह रहमान। अभी हमने शेडो प्राइस कैलकुलेट की जो टेलर टाइम की 4 थी, लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, और फैब्रिक की 10 थी। इसका मतलब ये कि टेलर टाइम अगर शॉर्ट है, जैसा कि ये बाइंडिंग कंस्ट्रेंट है, क्रिटिकल कंस्ट्रेंट है, जो शॉर्ट चीज होती है वो आपको पता है कि एक्स्ट्रा पैसे पे करके अवेलेबल हो जाती है, तो अगर टेलर टाइम हमें $4 एक्स्ट्रा पे भी अवेलेबल हो जाता है कि हमें $4 एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो फिर भी हम उनको अवेल कर लेंगे, हम उनको अपनी वर्किंग में शामिल कर लेंगे। और फैब्रिक की 10 है तो इसी तरह ये कि फैब्रिक अगर हम $10 एक्स्ट्रा प्राइस पे हमें अवेलेबल हो जाता है तो हम उसको बाय कर लेंगे। अब ये कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कहते जी ब्रीफली डिस्कस वेदर सीएस शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ ओवर टाइम एट 3 times द नॉर्मल रेट। अब ओवर टाइम क्या है, टेलर हैव ऑफर टू वर्क एन एक्स्ट्रा 500 आर प्रोवाइडेड दैट दे आर पेड 3 times देयर नॉर्मल रेट ऑफ 1.5। वो कहते हैं 1.5 से हमें 3 times रेट दे, इसका मतलब 1.5 की बजाय कितना दे 4.5। तो वही वाली बात कि वो एक्स्ट्रा कितना मांग रहे, 1.5 तो पहले जा रहा है, अब वो 4.5 डिमांड कर रहे हैं, ऑलरेडी 1.5 है, तो वो एक्स्ट्रा कितने पैसे मांग रहे हैं आपसे, $3। जबकि इसकी शेडो प्राइस कितनी है 4, इसका मतलब टेलर को अगर हायर करेंगे तो बेनिफिट 4 का है, जबकि एक्स्ट्रा कास्ट $3 की है, तो हम इनकी ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम उन्हें हायर कर लेंगे 4.5 पे, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट 3 से की बजाय 4 यानी $1 का हमें बेनिफिट हो रहा है। और फिर इसने कहा जी कैलकुलेट द न्यू ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान इफ मैक्सिमम डिमांड फॉर W फॉल टू 200। अगर W की डिमांड 200 होती है, अब ये हमारा W था, पहले W की डिमांड कितनी है 400, वो कहता अगर ये 200 होती है यहां पे, तो फिर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान क्या होगा। तो बेटा ये हम ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बढ़ा रहे थे, अब ये टच करेगी सबसे एंड पे जाके इस जो है इंटरसेक्शन पे, ये इंटरसेक्शन किसका है W 200, W है कितना 200 और इस पे ये है 600 W और 600 Y, 600 W 600 Y वाली लाइन क्या है 2W 2L इक्वल टू 1200, 2W 2L
इक्वल टू 1200। अब वो कहता जी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाए, तो बेटा ये क्वेश्चन इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब W तो क्लियर है, W बनेगा 200। अब इस इक्वेशन में W की वैल्यू पुट करो, W कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो 2 W की वैल्यू आ गई 200, 2L 1200, तो ये 400 बना, इधर जाके 1200 से लेस किया तो ये पीछे रह गया आपका 800 2L, L 800 को 2 पे डिवाइड किया तो 400 के, फिर ये होगा ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान के W बनाओ 200 और L बनाओ प्रोड्यूस करो 400, तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे, सीधी स्ट्रेट लाइन पे इंटरसेक्शन मिल जाए तो एक की वैल्यू वैसे ही क्लियर होती है, जैसे W की वैल्यू क्लियर है, जबकि जो दोनों को टच कर रहा हो रिसोर्स उसकी फिर वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, कि उस इक्वेशन में W की वैल्यू पुट करके हमने उसकी कैलकुलेट कर ली। ये टोटल क्वेश्चन है बेटा, ये लीनियर प्रोग्रामिंग है, ऐसा आपके लिए इतना अब कम्प्लेक्स नहीं रहा, बाकी बातें इंशाल्लाह आपसे होती रहेंगी।